हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं अपने पानी में ग्रो की हुई कुछ कटिंग है जो मैं आज मिट्टी में लगाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप लोगों भी को भी पता लगेगा कि पानी में हम जब कटिंग को ग्रो करते हैं तो उसे किस तरह से मिट्टी में लगाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने जो कुछ कटिंग्स कर लगा रखी हैं, स्पाइडर प्लांट की और ये मनी प्लांट की कटिंग है, तो इन्हीं दोनों को मैं मिट्टी में लगा करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग है जो मनी प्लांट की, काफ़ी मोटी कटिंग है, मैं लेकर के आई थी पार्क से, जो मुझे बहुत ही बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा इसकी कटिंग ले चलते हैं और पानी में ग्रो करके और फिर मिट्टी में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, करीब मैंने इस कटिंग को 15 दिन पहले पानी में ग्रो किया था, देखिए फ्रेंड्स। और सभी में तो रूट्स नहीं आई हैं, तो इन दोनों में रूट्स आ चुकी हैं और देखिए ये दोनों उलझ चुकी हैं, तो इनको मैं बहुत ही आराम से निकाल लूँगी और उसके बाद इसको मिट्टी में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़े पत्ते वाला मैं मनी प्लांट लेकर के आई थी और देखिए ये जो ये मोटी मोटी सी कटिंग लाई थी और इतने पत्ते इसमें पानी में ही ग्रो हो गए हैं, इतने बड़े बड़े से हो चुके हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना बड़ा इसका पत्ता था कि हम उसमें खाना भी खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े से इसके पत्ते थे। और देखिए पानी में ग्रो होने के बाद इसके पत्ते कितने छोटे छोटे से आए हैं, तो शायद मिट्टी में लगने के बाद इसके पत्ते बड़े आ जाएंगे। और ये स्पाइडर प्लांट की कटिंग है जो ये देखिए, इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स आई हुई हैं, तो इनको मैं अलग अलग करके और फिर मिट्टी में लगा के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें मिट्टी को तैयार कर लेना है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये गमले में मिट्टी तैयार कर ली है, जिसमें मैंने एक पार्ट गार्डन की मिट्टी ली है और एक पार्ट बर्मी कंपोस्ट लिया है और एक पार्ट इसमें मैंने रेत और धान की भूसी, वो दोनों मिक्स कर ली है आधी आधी। तो अगर आपके पास धान की भूसी नहीं है तो आप रेत ले सकते हैं, सिर्फ रेत ही ले सकते हैं, तो तीनों इक्वल रखना है तीनों की मात्रा। और अगर रेत आप नहीं मिलाना चाहते हैं क्योंकि रेत से थोड़ा गमला भारी हो जाता है, तो आप धान की भूसी भी पूरी पूरी ले सकते हैं एक पार्ट में। तो मैंने तो दोनों को ही आधा आधा करके लिया है, तो ये तीन पार्ट मैंने लिया हुआ है और साथ में मैंने एक लकड़ी की राख भी इसमें मिलाई है थोड़ी सी, एक मुट्ठी। तो इस तरह से हमें मिला लेना है और मिट्टी को तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये दोनों मैंने निकाल लिए हैं, इन्हीं दोनों में रूट आई हुई हैं, बाकी दो में तो रूट नहीं आई हुई हैं, तो एक में तो बहुत ही कम है रूट और एक तो बहुत ही अच्छी रूट्स है। तो बस इस तरह से ये जो दो हैं इनको मैं अलग करके रख देती हूँ और जो दो में रूट्स आ चुकी हैं उन्हें मैं लगा करके फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाना है। तो ये मिट्टी जो हमने तैयार कर ली है, मिट्टी तैयार करके मैंने गमले में पहले से भर ली हुई है और फ्रेंड्स बस मॉस स्टिक भी बीच में लगा दी है और बस हमें क्या करना है, इसको बीच में से थोड़ी मिट्टी हटानी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस जितने में हमारी जड़ आ जाए, बहुत ही सफाई से करना है आपको ये काम। अगर आप भी लगाते हैं ऐसे तो आपको भी बस इस तरह से रूट्स को फैला देना है और बस हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं दबाना है और बस बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर हमें मिट्टी डाल देना है। और ये जो इसकी ब्रांच ग्रो हो गई थी पानी में, देखिए इसके पत्ते तो छोटे छोटे आए हैं पर आ जाएंगे बड़े बड़े मिट्टी में जब हम लगा लेंगे, तब इसके बाद इसमें बड़े पत्ते आएंगे। और जो दूसरी वाली है इसको हम दूसरी तरफ लगाएंगे, तो दो हम एक साथ ही एक गमले में इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब पत्ते इसमें आएंगे तो चारों तरफ से ये गमला पूरा भर जाएगा, तो फिर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए दो कटिंग मैंने इसमें लगा दी है और बाकी की दो जब वो भी इसमें भी रूट आ जाएंगी तो उनको भी मैं एक गमले में अलग करके लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से ये जो पत्ते छोटे छोटे से हैं, मुझे ऐसा आपको भी देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी छोटा वाला मनी प्लांट है, पर ये बहुत ही बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट था। तो फ्रेंड्स, लगाने के बाद है बस वही लास्ट में यही काम होता है कि हमें इसमें पानी दे देना है। तो बस पानी देने के बाद, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, थोड़ा सा ही पानी देंगे, जितनी रूट्स है बस उतना ही पानी देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने स्पाइडर प्लांट की जो कटिंग है, देखिए ये भी निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मैंने चार कटिंग है
चार ली थी मैंने स्पाइडर प्लांट, अपने ऊपर ही मेरे गार्डन में लगे हुए हैं तो उन्हीं से मैंने चार ली थी और पानी में डाल दिए थे। 15 दिन के का रिजल्ट है, देखिए कितने अच्छे रूट्स आई हुई हैं। तो इस तरह से अगर हम पानी में ग्रो करके फिर हम मिट्टी में लगाते हैं तो हमारी कटिंग 100% चल जाती है। तो देखिए ये जो मैंने हैंगिंग बास्केट में इसमें लगाने वाली हूँ मैं ये स्पाइडर प्लांट को, तो बस इस तरह से बीच में हल्की सी जगह बना के और बस रूट्स को हमें छिपा देना है हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं दबाना है, बस ऊपर ऊपर ही ऐसे रख देना है हमें। या फिर देखिए इस तरह से आप मिट्टी निकाल करके थोड़ी मिट्टी डालिए और फिर बीच में ऐसे रूट्स को रख करके और ऊपर से फिर इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए। ये मिट्टी भी मैंने वही ली हुई है जो मैंने मनी प्लांट के लिए मिट्टी बनाई है, वही मिट्टी मैंने इसके लिए भी बना ली है उसी में से। तो बस इस तरह से हमें हल्के हाथों से दबा देना है क्योंकि ये पानी में ग्रो की हुई हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही नाजुक रहती हैं ये जड़ें और जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें लगा देना है दोनों को। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी कटिंग पानी में ग्रो करके और इस तरह से जो है लगा सकते हैं। तो वही है फ्रेंड्स कि इस तरह से देखिए जोई को भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं जो भी काम कर रही हूँ मेरे साथ बराबर बैठ के वो देख रहा है और लगता है जोई को प्यास भी लगी हुई है, पानी की तरफ बार बार उसका मुंह जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब उधर जाके पियो पानी, तुम जोई पानी पीना है तुमको। तो इस तरह से देखिए बस पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, बस हल्का हल्का सा ही पानी देंगे हम, ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि रूट्स जितनी हैं बस हमारी रूट्स उतनी ही गीली हो जाएं। और जब भी आप इसमें, जब भी आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी मिट्टी सूखी हुई है तो बस तभी आपको इसमें पानी देना है। और ये जो दो कटिंग बची हुई हैं इन्हें मैं ऊपर लगा दूंगी। तो इस तरह से अगर हम पानी में ग्रो करके और फिर हम कटिंग को मिट्टी में लगाते हैं तो हमारी कटिंग 100% चल जाती है। वरना क्या होता है कि अगर हम ऐसे ही कटिंग को लगा देते हैं तो कभी कभी कटिंग गल भी जाती है। तो सभी कटिंग को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ कुछ कटिंग ऐसी होती हैं जो हम पानी में ग्रो करके लगाएंगे तो 100% चल जाएंगी। तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो इसलिए इस तरह से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो ही बाय करो, बाय।